हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वत्सला वर्मा और आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे क्विक और इजी रेसिपी केक की। स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में जब हम बेकरी शॉप से भी केक नहीं लेकर आ सकते और घर पे भी सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो उस टाइम पे हम ये काफ़ी ईजी क्विक रेसिपी कम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे बिस्किट्स। यहाँ पर मेरे पास दो वैरायटी के बिस्किट्स हैं, एक हाइड एंड सीक है और एक बर्बन है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी अपनी चॉइस का बिस्किट ले सकते हैं। चॉकलेट लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये 120 ग्राम्स का हाइड एंड सीक है और 120 ग्राम्स का ही बर्बन है, तो इट मींस आपको अराउंड 240 ग्राम्स बिस्किट लेने हैं। तो इनको डालेंगे हम ग्राइंडिंग जार में और ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना स्मूथ पाउडर हमने बनाया है, तो ऐसे ही आप इनको ग्राइंड कर लें। और अब बिस्किट पाउडर को हम एक बोल में डालेंगे और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएं और इसको मिक्स करते रहें। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी। थोड़ा मिल्क अभी हम बाद में और डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। थोड़ा सा मिल्क और डालेंगे और अब मैं इसको हैंड विस्कर से विस्क कर रही हूँ, जिससे कोई लम्स इसमें ना रहे। आप चाहे तो इसको हैंड ब्लेंडर से भी विस्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो पहले हम जिस कढ़ाई में केक बनाने वाले हैं उसको प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं, जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं। तो आप बड़ी कढ़ाई ले, तो पहले थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं और उसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और ढक करके हम इसको प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। फ्लेम आप मीडियम रखें प्रीहीट करने के लिए। तो अब हम मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं, यानी कि जिस बर्तन में हम केक बनाने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। एक इसी बर्तन के साइज़ का हम बटर पेपर रखेंगे। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट अच्छे से ऑयल लगा लें। और अब केक बैटर इसमें डाल देंगे। टैप करेंगे और अब हम इस केक मोल्ड को प्री हीटेड कढ़ाई में रखेंगे। तो पहले आपको 5 मिनट्स तक ढक के हाई फ्लेम पर इसको कुक करें, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें और 25 to 30 मिनट्स तक इस केक को आप बेक करें। तो 30 मिनट्स बाद हम केक को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितने अच्छे से बन गया है। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम 5 मिनट्स तक इसको कढ़ाई में ही रखेंगे। तो 5 मिनट्स के बाद केक को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट सिरप केक पे लगाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट कंपाउंड है, जिसमें थोड़ी डार्क चॉकलेट भी है और मिल्क चॉकलेट भी है, लेकिन अगर आपके पास ये चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो आप इसकी जगह सिंपल चॉकलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी चॉकलेट मेल्ट हो गई है और अभी हम इसमें अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क डालेंगे और मिल्क के साथ इस चॉकलेट को मिक्स करेंगे। और डबल बॉयलर मेथड ये है कि आपको एक बर्तन में पानी को बॉईल करना है और पानी और ये ग्लास का बोल आपस में टच नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी। तो चॉकलेट सिरप भी बन गया है और केक भी ठंडा हो गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में। अब देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट ये केक बना है। तो अब हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल देते हैं।
आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितना सॉफ्ट और डिलीशियस ये केक लग रहा है। ऊपर से थोड़ी सी हम पाउडर शुगर इस पे डाल देंगे और साथ साथ चेरीज भी रख देंगे। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रॉबेरी भी रख सकते हैं। तो ट्राई करना ये ज़रूर रेसिपी अपने घर पर, और कैसी लगी आपको ये रेसिपी शेयर करना अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप न्यू है हमारे चैनल पे, तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।